Hello everyone, I am Dr. Deepak and Vishnoi. We welcome you in our YouTube channel Mathematical Concepts. स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स में. आज हम फिर से एक नई टेक्निक लाए हैं लिमिट्स के ऊपर. अभी तक हम तीन चार टेक्निक डिस्कस कर चुके हैं. ये हमारा फोर्थ लेक्चर है लिमिट्स के ऊपर बेस्ड. आज हम लोग उन टेक्निक्स को देखेंगे जिनका काम समेशन को इजी बनाना होता है. हमको अगर इनफाइनाइट लिमिट दी हुई है, समेशन दिया हुआ है, तो हम किस तरह सॉल्व करेंगे. चलिए देखते हैं किस तरह से करते हैं. हम लोगों ने समेशन पढ़ा है, हमको पता है कि सिग्मा एन जो होता है हमारा वो होता है एन एन प्लस वन बाय टू. देखिए हमारा लिमिट में मेन काम होता है मेनली हाईएस्ट डिग्री हाईएस्ट टर्म के साथ होता है. तो अगर आप देखिए तो इसमें मल्टीप्लाई करें तो इट बिकम्स एन स्क्वायर प्लस वन इंटू एन, इट मीन्स एन टू. तो हेयर द हाईएस्ट डिग्री टर्म इज एन स्क्वायर बाय टू. सिमिलरली इफ यू सी सिग्मा एन स्क्वायर, दिस इज 1 by 6 n, n plus 1, 2n plus 1. Then the highest degree term will be n cube by 3. So, if you have power 1, अगर आपके पास power 1 है तो देखिए आपके पास जो highest degree term आ रहा है वो आ रहा है कितना, n square by 2. यहां पे भी एक बढ़ा है, denominator में भी एक बढ़ा है. n square है तो n cube by 3 आ रहा है. सिग्मा एन क्यूब होगा तो आपके पास एन रिश्ट पावर 4 बाय 4 आएगा. सिमिलरली इफ यू हैव सिग्मा एन रिश्ट पावर के, देन यू विल ऑलवेज गेट द हाईएस्ट डिग्री टर्म एज एन रिश्ट पावर के अपॉन के प्लस 1. आपको ये याद रखना है, बस इतना सा आपको याद रखना है और इतने भर से आपके सारे क्वेश्चन जो है चुटके में सॉल्व हो जाएंगे. ओके तो जब भी आपको कोई क्वेश्चन ट्राई करना है तो आप सिंपल इसको याद रखिए, इसको वहां पुट करिए और क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो यहां पर है 2 की पावर 5, 3 रेश पावर 5, एन रेश पावर 5 अपॉन 8. तो अगर मैं इसको सम करूंगा तो हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या आएगा मेरे पास, सिंपली आई विल गेट द हाईएस्ट डिग्री टर्म एज एन रेश पावर 6 अपॉन 6. डिनोमिनेटर में हमारे पास एन रेश पावर 8. जब हम लिमिट लेंगे तो आपको पता है अगर न्यूमरेटर की डिग्री जो है डिनोमिनेटर की डिग्री से जो है छोटी हो तो वी ऑलवेज गेट द आंसर एज 0. तो आंसर विल बी 0. तो आपको देखिए कैलकुलेट करना ही नहीं है. यही मैजिक है इस फॉर्मूले का, इस फंडे का, कि ये आपकी कैलकुलेशन को बहुत इजी बना देता है, तो बहुत फास्ट बना देता है. तो आपको क्या करना है, हमेशा एन रेश पावर के इज इक्वल टू, हमेशा ध्यान रखना एन रेश पावर के प्लस 1 अपॉन एन अपॉन के प्लस 1. ओके, एक यहां बढ़ाना है, एक यहां बढ़ाना है और उसके बाद लिख देना है. क्लियर. अब ना आप इस वाली प्रॉब्लम पे आते हैं, एनडीए 2014 से है. तो 1 प्लस 2 प्लस 3 एन. तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड को, अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर आपके पास जो हाईएस्ट डिग्री टर्म आएगा वो आएगा एन स्क्वायर बाय 2. नीचे आपके पास कितना है, नीचे आपके पास है एन स्क्वायर. तो कितना आएगा आपके पास नीचे देखेंगे, अगर आप सम करेंगे तो एन क्यूब. देखिए हमने यहां पर लिखा है एन क्यूब बाय 3. लिमिट आपने वही ली एन टेंस टू इंफिनिटी. और अगर आप देखें तो फिर वही केस बन गया, तो आंसर विल बी हाउ मच, द आंसर विल बी 0. ओके, अब अगेन यहां इस प्रॉब्लम को देखते हैं. यहां पर अगर आप देखें डिनोमिनेटर कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर कांस्टेंट है, जेई की प्रॉब्लम है. डिनोमिनेटर है हमारे पास माइनस एन स्क्वायर, यहां पर डिनोमिनेटर कितना है एन. तो हाउ मच वी विल गेट, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे यहां पर तो न्यूमरेटर जो होगा आपके पास वो एन स्क्वायर बाय 2 वाला होगा. डिनोमिनेटर है आपके पास माइनस एन स्क्वायर वाला. लिमिट है आपके पास एन टेंस टू इंफिनिटी. आपको पता है कि जब भी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की डिग्री बराबर है तो दोनों कोएफिशिएंट का रेशियो आता है. तो हाउ मच वी विल गेट, वी विल गेट एन स्क्वायर कैंसिल आउट विद एन स्क्वायर, दिस वन विल बी माइनस एन बाय 2. दैट्स इट, दिस इज द मैजिक ऑफ दिस ट्रिक. आपको सिंपल पता याद रखना सिग्मा एन रेश पावर के इज इक्वल एन रेश पावर के प्लस 1 अपॉन के प्लस 1. दैट्स इट. ओके ओके, लेट्स सी इफ वी हैव सम पर्टिकुलर केस ऑफ समेशन ऑफ सीरीज. जस्ट लाइक इफ वी हैव द कॉम्बिनेशन ऑफ टू एपीज, इफ वी हैव कॉम्बिनेशन ऑफ एपीज दे रखा हमको, ये पर्टिकुलर केस है इनफाइनाइट सीरीज का. अगर इसको देखें हम
अगर हमारे पास सपोज दैट लिमिट वही है, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, और हमारे पास है यहां पर a1 b1 a2 b2 an so on an bn and it is running up to the infinity, then the answer will always be a1 b1 minus a1. Always remember this thing that a1 a2 an all are in AP and b1 b2 bn are in AP, and also the difference between any two consecutives should be same. B1 minus A1 should be equal to B2 minus A2 and so on. So if this condition fulfill, then you can directly tell the answer. How we tell the answer? If we have this kind of problem, suppose that this is a problem. So A1 is 2 here, B1 is 3 here. The difference is 1. Difference is 1. It means this condition will get fulfilled. Second thing is that they should be in AP. 2, 3 up to n. This is AP. 3, 4 up to n plus 1. It is AP. So this condition is getting satisfied. So what should be the answer? Answer should be 1 upon A1, yani 2, or B1 minus A1 means 3 minus 2. It will be 1 upon 2. This will be the answer. So see, आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं. ये मैजिक है इसका के सीरीज का. अगर आपको इसका के सीरीज आ गया तो विद विन कंडीशन आपकी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं. यू विल ऑलवेज गेट द आंसर इन 1 और 2 सेकंड्स. ओके, सिमिलरली हियर 3 7 दीज आर इन एपी, 7 11 दीज आर इन एपी. द डिफरेंस इज 4 4 4. सो देयर व्हाट विल द आंसर? द आंसर विल बी 1 अपॉन a. 1 मींस 3. The difference of these two means 7 minus 3. This one becomes 1 by 12. This is the answer. So see, we can solve this one by seeing in first look. पहली बार में देखते सर आपके पास आंसर आ जाएगा. आपको कुछ करने की जरूरत नहीं. Within 2 or 3 seconds, you will get the answer. क्या करना है? कुछ नहीं. पहले ये वन लिखना है, दोनों का डिफरेंस लिखना है, मल्टीप्लाई कर देना. बस ये बात आपको ध्यान रखनी. क्या? कि there should be the APs and the difference should be same. Okay? Now, again, let me give you one more trick. This trick says that ki, agar aapke paas is tarah ka case hai, 1 raised to power A plus 2 raised to power B and so on, n raised to power A upon n raised to power B. और लिमिट वही है, n टेंस टू इंफिनिटी, देन द आंसर विल बी ऑलवेज 1 अपॉन b. रिमेंबर दिस थिंग. यहां पर भी एक कंडीशन है, यहां पर भी एक लॉकिंग उसने दी है कंडीशन की. क्या है? कि द b माइनस a, द डिफरेंस बिटवीन दीज टू पावर्स शुड बी इक्वल टू 1. अगर ये कंडीशन फुलफिल होती तो आंसर कुछ नहीं करने की जरूरत है, 1 अपॉन b आएगा. देखिए हाउ. यहां देखिए, बेस इसका स्टेबल है. डिग्री कितनी है? 2. यहां पर डिग्री कितनी है? 1. डिफरेंस कितना आया? 1. तो व्हाट विल द आंसर हियर? आंसर विल बी द डिफरेंस, द पावर ऑफ डिनोमिनेटर 1 बाय 2. माइनस साइन इज हियर बिकॉज यहां माइनस नहीं है, तो इसलिए आंसर विल बी माइनस 1 बाय 2. सो सी द मैजिक. इफ यू कैन रिमेंबर दिस वन, दिस रियल, यू विल ऑलवेज गेट द आंसर इन 1 और 2 सेकंड्स. अगेन look at here, 3 here, 4 here, difference is 1. What is the answer? Minus 1 by 4. Minus 1 by 4 kyun? Kyunki yahan par coefficient bhi consider karna hai aapko. Ye aapko dhyan rakhna hai. Kya pehli baat? Difference should be 1. Second thing is that it should be in finite series and the answer will be the coefficient's power with positive and negative sign. Okay? So this is all about the different kind of infinite series. So hope you understand it. और आपको पसंद आया होगा. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए. Hope to see you in the next video. चलिए, next video मिलते हैं. Till then, goodbye.